नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। आइए आपको अवगत कराते हैं आज की ताजा खबरों से। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर इस टाइम हम मौजूद हैं और भगवान राम की यात्रा की तैयारी चल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान राम की झांकी को देखने के लिए, आप देख रहे हैं झांकी है, इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यह भगवान श्री राम का एक रथ है। इस में भगवान राम विराजमान होकर शहर के नजीबाबाद के रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होकर शहर के कृष्णा ठाकुर चौराहे चौक बाज़ार कल्लूगंज होते हुए माँ संतोषी माता के मंदिर पर समाप्त होगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आज नजीबाबाद में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखिए, ये नजीबाबाद के जाने माने आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये आपके सामने है विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी। अब ये रथ यात्रा को प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है, जिसमें भाजपा और आरएसएस संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और रथ को खींचकर आगे ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। आज मज़े की बात सबसे यह रही, जिस राम की वजह से ये लोग आज सत्ता में हैं, उसी राम को भूल बैठे। नजीबाबाद में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए भगवान राम को भूल बैठे हैं। भगवान राम जिनके सहारा लेकर सरकार प्रदेश में आई और मोदी जी ने केंद्र में सरकार बनाई, उसी भगवान राम को आज अपने पैरों में बैठा रखा, ऊपर आसन पर बैठे रहे नेतागिरी करने वाले, भगवान राम नीचे बैठे रहे।